जुगल किशोर शर्मा जी। रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारे आर्थिक विकास मेगावाट जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, और इससे तकदीर बदलने वाली है रियासत जम्मू कश्मीर, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है इसके आवाम की, छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय, ये हम देख रहे हैं कि रोहित कंसल जी और सीएमडी एनएचपीसी जनाब बसीर खान साहब, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी पावर भारत सरकार संजीव नंदन सहाय और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीवीआर सुब्रमण्यम जी करेंगे। अब वो समय चला गया, जमाना चला गया जबकि कोई आकर के मीटर रीडिंग करता था मैनुअली, और फिर जाकर के रिपोर्ट करता था, फिर बिल प्रिंट होता था, फिर बिल आपके घर आता था। अब इतने उपभोक्ता हो गए हैं और मीटर रीडर की जितनी कमी है कि अब वो संभव है नहीं। अब सारा चीज ऑटोमेटिक हो जा रहा है प्रीपेड, और वो सबके लिए अच्छा है क्योंकि अब जरूरत नहीं है कि आप 30 दिन का बिल एक साथ भरें, आप 5 दिन के लिए एक साथ आप रिचार्ज करें, वो खत्म हो जाएगा फिर 5 दिन के लिए करें। यह गरीब आदमी के लिए ठीक है, ये सबके लिए ठीक है। अब किसी को जाकर के मीटर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बिल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी को चल करके जाने का, ये मोबाइल से रिचार्ज होगा, ये सब कर देने की जरूरत है और हर जगह कर देने की जरूरत है। कोई कलेक्शन नहीं होगा तो आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे, आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे तो आपका लोड शेडिंग होगा। तो एक तो हमको सिस्टम बना देनी है लग करके, ताकि हर गांव तक हम तार पहुंचा दें, हर गांव तक हम कनेक्शन कर दें। और सब स्टेशन हम लोगों ने सैंक्शन किया है, सब स्टेशन सैंक्शन किया नया जो बन रहा है, सब स्टेशन का स्ट्रेंथनिंग हम लोगों ने सैंक्शन किया जो बन रहा है, और भी होगा और भी सैंक्शन करेंगे, उसको कर देना है। और उसके बाद बिजली की कमी नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा जिसके लिए कि आज हम बधाई देना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। पहली बात, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को प्रभार लिए हुए मात्र एक या दो दिन हुए थे, एकदम पूरा एक लिस्ट के साथ हमारे ऑफिस में पहुंचे कि साहब हमारा ये 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 काम है, इतना इनमें ये है अपने पदाधिकारियों के साथ, इतना कीननेस है, इतना एफिशिएंसी है। सोची प्रभार लेने के एक या दो दिन के बाद पूरा लिस्ट था। तो हमने कहा कि हम एक एक काम करेंगे आपका, एक एक काम करेंगे, क्योंकि इतना जो डायनेमिज्म है वो देख करके अच्छा लगता है, और सही में एकदम बिल्कुल डायनेमिक। जो काम इतने दिनों से लंबित था, इतने वर्षों से लंबित था, इन्होंने तुरंत कर दिया कि साहब यहां पर क्षमता है और देखिए साहब यहां पर क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। आपने सुना ना 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बिजली जाती थी करीब 11.5 घंटा। आज हम लोग ने सर्वे किया, इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटा बिजली है, 20 घंटा। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, पूरे इंडिया को एक ग्रिड में बांध दिया है। अब 20 घंटा ले गए ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 22-23 घंटा है, 80% शहरों में 23-24 घंटा है। ये आज का है, ये विकास संभव है, लेकिन आप पीछे रह गए, यही आपको भी करना है, और यही कंसल साहब आपको और आपके विभाग को भी करना है और आपके पदाधिकारियों को भी करना है। 23 घंटा 24 घंटा हर जगह बिजली का कहां पर प्रवाह रुकता है, कहां पर ये है बैरियर है, कहां पर कंजेशन है, उसको निकालना, उसका स्कीम बनाइए, हम लोग फंडिंग कर देंगे, उसका इंप्लीमेंट कराइए और बिजली हम लोग पहुंचाएंगे 24 घंटा जम्मू कश्मीर कारगिल हर जगह। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि हमारा काम अधूरा रह गया।